नमस्कार मित्रों, हेडफोन लगाने के बाद शायद मेरी आवाज आ रही होगी। क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो नीरज, क्या मेरी आवाज आ रही है? पायल त्रिवेदी, नीरज परेश ने बोल दिया यस सर, अर्चना ने भी कह दिया यस सर, पायल त्रिवेदी यस, और जयदेव जी ने कह दिया यस सर, क्लियर, थैंक यू। सो इसके पहले हमने हेडफोन नहीं लगाया था, शायद उसकी वजह से हो रहा हो। कौशिकी ठक्कर नमस्कार, अर्चना प्रसाद यस यू आर ऑडिबल, थैंक यू अर्चना जी, पायल त्रिवेदी दिखाई दे रहा, हाँ यू कैन स्टार्ट, जयदेव तुमने कह दिया, और 19 लोग आ गए हैं। तो होली मुबारकबाद हो दोस्तों आप सबको, होली सॉरी ईद मुबारकबाद, और ईद की तमाम जितने भी हमारे सुनने वाले दोस्त हैं उन सबों को मुबारकबाद देता हूं मैं। कोकोनट थिएटर, चाय वाला रंगमंच को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कोकोनट मंच पे, डिजिटल मंच पे अवसर दिया अपनी बात रखने के लिए। तो मित्रों, आज का जो विषय है ये थोड़ा अलग विषय है, और सो आज का विषय है अल्टरनेटिव ट्रेनिंग इन थिएटर। और अल्टरनेटिव ट्रेनिंग इन थिएटर पेडागोजी, जो भी आप कह सकते हैं, तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, नमस्ते नमस्ते बहुत सारे लोग, पायल त्रिवेदी, अर्चना प्रसाद, कौशिक ठक्कर जी नमस्ते, और तो सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि रंगमंच कला क्या है, और रंगमंच कला मेरी नजर में, मैं कुछ, मेरे अंदर कुछ प्रश्न हैं और कुछ उत्सुकता है, वो मैं शेयर करूंगा कि अल्टरनेटिव थिएटर ट्रेनिंग किस तरह की होनी चाहिए। चूंकि मैं 1990 का पास आउट हूं, मेरा नाम संजय उपाध्याय है, और 1990 के बाद से लगातार थिएटर ही कर रहा हूं, तो जो कुछ भी मैंने महसूस किया है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकलने के बाद, और पूरे देश में और भी जो इंस्टीट्यूट हैं जहां थिएटर की पढ़ाई हो रही है, तो अब आज़ादी के बाद अभी तक जितने भी इंस्टीट्यूट खुले या उसके द्वारा माध्यम से जो थिएटर की ट्रेनिंग दी जा रही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अभी तक हम विशाल दर्शक वर्ग तक नहीं पहुंच पाए या नहीं बना पाए, और अब तक तो रंगमंच को सामाजिक मान्यता मिल जानी चाहिए थी। रीता माथुर जी नमस्ते, आयल त्रिवेदी जी नमस्ते आपको। सो आखिर क्या ऐसा कारण था कि 60 साल 50-60 साल हो गए, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, और उससे निकल
जो ट्रेनिंग की जो उसने मेथडोलॉजी या पेडागॉजी जो डेवलप की, उसके बावजूद विजय शुक्ला नमस्कार, सागर नमस्ते, नूतन जी गुड इवनिंग, रोहन जयदेव हेलो हेलो सर हेलो हेलो। सो मैं आखिर ऐसा क्या है कि अभी तक हम सामाजिक मान्यता नहीं ले पाए रंगमंच की, और दर्शकों का जो एक बहुत बड़ा जो विशाल वर्ग है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए, तो क्या हमारी ट्रेनिंग में ही कुछ कुछ दोष है, या हम जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं उसमें कोई ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से हमारी पहुँच वहाँ तक नहीं हो पाई जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए था? तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि रंगमंच एक द्वंद्वात्मक कला है, इसको कहते हैं कि डायलेक्टिक्स आर्ट है, और अभिनय को भी कहा गया है रंगमंच अभिनय की कला भी है, तो अभिनय को भी कहा गया द्वंद्वात्मक कला। तो दुर्गेश प्रणाम। तो दो तरह की विचारधाराएं हैं, दो तरह का द्वंद्व है रंगमंच कला को लेकर। पहला द्वंद्व तो ये है कि एक जो कलावादी जो दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि रंगमंच एक आत्मा से परमात्मा तक जाने की प्रक्रिया है, और आत्मा से परमात्मा तक जाकर फिर वापस हम परमात्मा से वापस लौट कर आत्मा की तरफ आते हैं, और इन्हीं इसी जो विचारधारा की सोच के तहत कुछ लोग ये कहते हैं कि शून्य से महाशून्य तक जाने की जो प्रक्रिया है ये कला है। कुछ लोगों ने ये कहा कि, या उनका मानना है कि रंगमंच एक फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन टू एक्सपेंशन और एक्सपेंशन टू कॉन्ट्रैक्शन की विधा है, आर्ट है, यानी कि विस्तार से संकोच और संकुचन से विस्तार की प्रक्रिया है। इस तरह की ये कलावादी मान्यताएं हमारे रंगमंच के ट्रेनिंग के पेडागॉजी में या इंस्टीट्यूशन या मेथडोलॉजी में इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। दुर्गेश, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया इसलिए है सर, आवाज़ आ रही, हाँ ठीक है। तो दूसरी जो मान्यता है वो ये कहता है कि रंगमंच एक सामाजिक कला है, रंगमंच एक ऐसी कला है जिससे सामाजिक, जिसके तहत सामाजिक सरोकार जुड़ा होता है। रंगमंच मनुष्य को मनुष्य बने रहने देने की कला है। रंगमंच की कला आदमी को बेहतर बनाने की कला है, समाज को एक बेहतर नजरिया, बेहतर दृष्टिकोण और समाज को एक बेहतर दिशा प्रदान करने की कला है। तो ये दोनों तरह का जो द्वंद्व है, एक तरफ कलावादी द्वंद्व है, दूसरी तरफ समाज से जुड़कर रंगमंच जो है समाज से कितना जुड़ा हुआ है और समाज से कितना सरोकार है उसका, और किस तरह का वो सामाजिक जो व्यवस्था के परिवर्तन या उसके रूपांतरण में इसकी क्या भूमिका है, ये तमाम तरह की, दो तरह की जो चीज़ें हैं जो हमारे थिएटर की कला, थिएटर चूंकि एक समुच्चय कला है, एक कंपोजिट आर्ट है, तो इसमें जितने भी आर्ट हैं वो सारे इसमें समाहित हैं, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण और चुनौती भरा एक चुनौती से भरा हुआ रंगमंच है, रंगमंच की कला है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब मैं 1990 में पास होकर अपने कुछ हमारे जो मित्र थे सब मुंबई की तरफ आ रहे थे, और हमारे सीनियर्स भी मुंबई की तरफ आ रहे थे नाट्य विधा की ट्रेनिंग लेकर, कुछ लोग ही थे हम लोग जो वापस अपने गांव की तरफ लौट रहे थे थिएटर करने के लिए कि थिएटर करेंगे। हाय तुषार, राघव जी, अरे राघव जी नमस्ते।
तो हम वापस लौट रहे थे अपने गांव की तरह, और ये सोचते हुए लौट रहे थे कि किस तरह की ये जो हमने पढ़ाई की है 3 साल रहकर, इस पढ़ाई का क्या औचित्य है कि हम अपने गांव में जाकर, और ये जो वेस्टर्न पैटर्न या जो कह सकते हैं कि पश्चिम की जो कलाएं हैं उन कलाओं को एक मॉड्यूल मानकर और उसको एक मेथडोलॉजी के रूप में नाट्य विद्यालय में पढ़ाई कर जो करने का या सिखाने का या सीखने का जो अवसर मिला, तो क्या ये हमारे आज के भारतीय परिवेश में क्या ये संभव है? और मैं जवाब दूंगा बाद में, अभी मैं कुछ भी जब चूंकि मेरे बोलने में थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ। डॉली जी नमस्ते। तो ये जो आज के परिवेश में जो हमें पश्चिमी परिवेश में जो कलाएं हैं उन कलाओं के माध्यम से जो हमें सिखाया गया, चाहे वो स्टानिस्लावस्की सिस्टम हो या मेयरहोल्ड का सिस्टम हो या ब्रेक्ट हो या और भी जो विदेशी इस तरह की जो हमारी परंपराएं हैं, विदेश में जो पढ़ाइयाँ होती हैं, उसको हमने हू बहू उस मॉडल को अपने इंस्टीट्यूशंस में लाने की कोशिश की, और उसी ढंग और उसी ढर्रे पे हमारी परवरिश हुई, पढ़ाई हुई। और पढ़ाई हो करने के बाद जब हम निकले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या महत्व है। तो मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की यहाँ पे कोई मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वो हमारा मदर इंस्टीट्यूशन है, तो मैं जो कुछ भी कहूँगा वो उसके बेहतरी के लिए ही कहूँगा। या आज का जो समाज है, आज का कोरोना काल के बाद का जो समाज आएगा वो कैसा आएगा और किस तरह का थिएटर होगा, इस यह भी एक हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मुझे लगा कि क्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, BNA हुआ, MP ड्रामा स्कूल जहाँ का मैं फाउंडर डायरेक्टर रहा, वहाँ भी हमने एक परिकल्पना की थी कि थिएटर ऑन व्हील्स के तर्ज पर हम वहाँ थिएटर को लेकर चलेंगे और पूरे देश में घूम घूम कर, खासकर मध्य प्रदेश में घूम घूम कर, गाँव से या वहाँ का जो ट्राइबल फॉर्म है उसके साथ जुड़कर हम थिएटर करेंगे। तो मैं इस तरह का हमने एक वहाँ के पैडागोजी तैयार करने की कोशिश की थी। तो बहरहाल, तो जब कारंत जी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक बने तो उन्होंने एक्सटेंशन प्रोग्राम शुरू किया, और उसका भी उद्देश्य था थिएटर ऑन व्हील्स, जिसमें बंसी कौल जी पहली बार जिसके प्रोफेसर बनाए गए, और कुछ सालों तक बड़ा अच्छा काम होता रहा एक्सटेंशन का। लेकिन बाद के दिनों में मुझे लगता है कि तब से लेकर आज तक 500 से लेकर 1,000 जगहों पे एक्सटेंशन प्रोग्राम के तहत कार्यशालाएं आयोजित की गई, छोटे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, और पूरे देश के अलग अलग राज्यों में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कार्यशाला लगाती है और वहाँ के स्थानीय रंगकर्मी को ट्रेन करने का उपक्रम इस तरह से शुरू किया, कार्य शुरू किया। लेकिन मुझे ये लगा कि जो पढ़ाने वाले जो वहाँ गए एक्सपर्ट, जिन्होंने उन गांवों के बच्चों को जो ट्रेनिंग दी, वह भी वही ट्रेनिंग था जो हमने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जो पश्चिम से जो हमने अडॉप्ट किया था जो ट्रेनिंग मेथडोलॉजी को, वही चीज़ वहाँ भी हमने बच्चों को सिखाना शुरू किया। और गांव के बच्चों को भी हमने कहा कि स्टानिस्लावस्की सिस्टम ये है और ब्रेक्ट ने ये कहा, और हमने क्या किया, गड़बड़ी क्या हुई कि हम वो जो लोकल जो बच्चे थे जहाँ पे हम थिएटर की ट्रेनिंग दे रहे थे उनको उनकी जड़ों से काट दिया और उनके अंदर बहुत सारे भ्रम पैदा हुए। अगर वहाँ की जो बोली है जहाँ हम वर्कशॉप कर रहे हैं, जिस गांव में कर रहे हैं, वहाँ का की जो बोली, वहाँ की पानी, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की हवा, वहाँ का जलवायु, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का कंटेंट, इसको लेकर वहाँ की जो लोक नाट्य शैलियाँ हैं या गायन की शैलियाँ हैं या जो जितने भी नॉन परफॉर्मेटिव फॉर्म्स थे,
उन सबों को लेकर अगर उन्हीं की भाषा में अगर हमने प्रयास किया होता तो आज आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में कलाकारों का पलायन हुआ, गांव छोड़ छोड़कर और अपने शहर को छोड़कर, नगर को छोड़कर, और चूंकि उनके अंदर भ्रम पैदा इस तरह का हुआ, उनको ये समझ में आने लगा कि हम यहाँ जो अपनी लोक संस्कृति, अपनी माटी, अपनी बोली के प्रति जो हमारा जो सम्मान था, गौरव था, प्राइड था, वो उसमें कुछ है नहीं, और वहाँ से वो कट के सीधे वो दिल्ली या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या BNA में ट्राई करना शुरू किया या बॉम्बे जाने की शुरू। तो मैं ये कह रहा था कि जो ट्रेनिंग की मेथडोलॉजी हमने डेवलप की पिछले 50-60 सालों में, वो पूरी तरह से पश्चिम पर आधारित था। और हमारे भारतीय परिवेश में चूंकि गांवों का हमारा देश है, और जिन गांवों में जा जाकर हमने वेट फॉर सम टाइम सो प्लीज, तो हमने हमारे जो रंगकर्मी जो जड़ों से कट गए, अपनी संस्कृति, अपनी जो उनका जो लोक साहित्य था, लोक संसार था, और वहाँ से वो कट गए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो हमने उनको ट्रेनिंग दी वो वहाँ की भाषा में, वहाँ की बोलियों में, वहाँ की का जो पानी है, वहाँ की मिट्टी है, वहाँ का जो जलवायु है, वहाँ उस लोक जीवन का जो पर्यावरण है, उसको अगर हम वहाँ की जो समस्याएं हैं उस पर आधारित होकर, और ट्रेनिंग की एक ख़ास तरह की मेथोडोलॉजी तैयार की जाती है, अल्टरनेटिव थिएटर की जो ट्रेनिंग होती है, अगर उसको हम लेकर तैयार करते तो शायद इतना बड़ा पलायन नहीं होता। और मैं जिस तरह से आज देख रहे हैं कि मजदूरों का विस्थापन, जिस तरह से गांव छोड़ छोड़ कर लोग जो रोजी रोटी की तलाश में शहर की तरफ जाने लगे, उसी तरह से रंगकर्मी भी अपने जड़ों से कट के और अपनी भाषा से कट के, अपनी बोलियों से कट के वो शहर की तरफ आने लगे और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ट्राई करने लगे ट्रेनिंग लेने के लिए, या BNA जाएंगे या MPSD में या मुंबई जाएंगे। इस तरह से पलायन हुआ, विस्थापन हुआ बहुत बड़े पैमाने पर। और जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास होकर मैं निकला तो मैंने देखा कि हमारे बैच के या हमारे जो सीनियर्स थे या जूनियर्स थे वो सारे NHD की तरफ जा रहे थे, तो ये बॉम्बे की तरफ जा रहे थे एक्टिंग में आजमाइश करने के लिए, फिल्मों में आजमाइश करने के लिए। जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उनके सामने प्रश्न था कि थिएटर में क्या रखा है, थिएटर हमें पैसा भी नहीं देगा, प्रतिष्ठा भी नहीं देगा, और हम क्यों जाएं अपने गांव वापस लौट कर। जबकि जब ट्रेनिंग जब किसी भी इंस्टीट्यूट में जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले इंटरव्यू में हमसे ये पूछा जाता है कि नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षण लेने के बाद आप क्या करोगे, तो 90% लड़के जो हैं वो यही कहते हैं कि मैं वापस अपने गांव जाकर थिएटर करूंगा। और जो लड़का बोल देता था कि मैं सिनेमा जाऊंगा, उसका एडमिशन नहीं होता था हमारे समय में, और वो लोग जो वापस गांव में जाकर अपने थिएटर करेंगे, ऐसे लोगों पर बहुत ही हमारी पूरी जो जूरी होती थी बहुत प्रभावित होकर और उसका एडमिशन ले लेती थी। लेकिन वही 90% लड़के जब पास होकर निकलते हैं तो उनका पलायन हो जाता है, वो सीधे बॉम्बे की तरफ रुख करते हैं। और उनका यह भी मेरा भी मानना है कि हमने जिस तरह की पढ़ाई की, जिस तरह का की ट्रेनिंग ली, उस ट्रेनिंग्स को लेकर हम अपने गांव में जाकर बच्चों को क्या सिखाएंगे। एक समय की बात है कि एक लड़का पास होकर निकला और अपने गांव में जाकर ईडिपस कॉम्प्लेक्स नाटक करना शुरू कर दिया, और एक वर्कशॉप करके। तो स्थिति ये हुई कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे वो सब भाग गए, और किसी भी तरह से जुगाड़ करके फिर से सबको इकट्ठा किया गया और उस नाटक को तैयार किया गया। तो गांव वालों ने विरोध कर दिया कि इस तरह का नाटक हमारे भारतीय परिवेश में, भारतीय संस्कृति के खिलाफ है कि एक बेटा अपनी माँ के साथ इस तरह का संभोग करेगा और बच्चा पैदा करेगा, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, तो उसका विरोध हुआ। तो ऐसी ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता रह गई है, तो जिस तरह से कारंत जी ने एक्सटेंशन
प्रोग्राम के तहत वो इसका मूल उद्देश्य ही था कि गांव से गांव गांव तक रंगमंच को पहुंचाना, गांव गांव तक रंगमंच का विस्तार करना, और वहां के लड़के जैसे उनकी हम लोग अक्सर कहते हैं कि जितना हम लोकल होंगे उतना ही हम वैश्विक होंगे, यानी हम जितना लोकल होंगे उतना ही ग्लोबल होंगे। तो इस तरह का के जुमले भी बहुत उठते रहे, और लेकिन क्या इसमें सच्चाई है कि हमने गांव को अपनी या हम अपनी ज़मीन से कट गए, अपनी जड़ों से कट गए, अपनी संस्कृति से कट गए? और स्थिति ये हुई कि हमने उनके ऊपर एक ऐसी पद्धति जो पश्चिमी जो आर्ट से होकर आती थी वो सारा कुछ हमने उनके ऊपर थोपने की कोशिश की, और उसका परिणाम ये हुआ कि गांव में आज कोई भी लड़का वापस जाकर थिएटर नहीं करना चाहता है और ना ही थिएटर का माहौल बना। अगर वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जो लोक शैलियाँ हैं, वहाँ की जो परंपराएं हैं, वहाँ की जो नॉन फॉर्मेटिव आर्ट्स या जितनी भी मान के चलिए कि नौटंकी शैली, तो मैं हिंदी बेल्ट पर ही अभी बात कहूँगा, नौटंकी शैली, नौटंकी अपने आप में एक विधा है, नाटक की शैली है। तो उस शैली को कुलदीप जी, मैं आपकी बात को बाद में आपसे बात करूँगा कि तो बहुत सारी बातें आप लिख रहे हैं, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, फिर मैं भटक जाऊँगा अपनी बात से। तो अब मैं अपनी बात पर आता हूँ कि जब मैं अपने गांव की तरफ लौटा तो मैंने सोचा कि मैं किस तरह का थिएटर करूँ। मैंने जो पढ़ाई करके और 3 साल समय गुजारा, प्रशिक्षण लिया, उसका क्या उस महत्व रह जाता है? कलात्मक दृष्टिकोण से तो हम बहुत ही अच्छे अच्छे नाटक कर लेते हैं और बहुत बड़े बड़े नाटक कर लेते हैं, और ट्रेनिंग भी हमें उसी तरह से दी गई थी कि चीज़ों को लार्जर देन लाइफ में देखना और उस तरह से ही प्रेजेंट करना अपने परफॉर्मेंस को। तो हमने पटना जाकर सबसे पहले एक इलाका था नंदनगर कॉलोनी, जहाँ जरायम पेशा वाले लोग रहते थे, वो 20-25 एकड़ में फैला हुआ वो पूरा इलाका है। उस इलाके में जाकर हमने जितने भी बिगड़ैल बच्चे थे जो गांजा पीते थे, चरस पीते थे, शराब पीते थे, चाकूबाजी करते थे, उन बच्चों के बीच में 2-2.5-3 महीने तक मैं उनको ऑब्जर्व करता रहा, और बहुत सारे ऐसे बच्चे निकले जो बड़े टैलेंटेड थे, जो एक्टिंग करते थे, गाना गाते थे, फिल्मी एक्टिंग करते थे, मिमिक्री करते थे, तरह तरह का करतब करते थे। उन लड़कों को हमने पकड़ा, उनके उनके गार्जियन से मिलकर उनको कन्विंस किया कि 1 महीने के लिए मुझे इन बच्चों को दे दो, और उन सारे बच्चों को कन्विंस करके मैंने 1 महीने आवासीय वर्कशॉप, रेसिडेंशियल वर्कशॉप किया। उसमें बच्चों को नाखून काटने से लेकर, बाल काटने से लेकर, उनको स्नान कराने से लेकर, अच्छा कपड़ा पहनाने से लेकर, और सुबह से लेकर शाम तक एक अलग तरीके का एक सिस्टम मैंने वहाँ एक या ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है मैंने उन बच्चों के ऊपर जो हमने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सीखा था वो कहीं से वो काम नहीं आ रहा था, बल्कि उन बच्चों की भाषा में वो बच्चे जो बिगड़ैल थे उनकी और जिस तरह से वो हरकतें करते थे उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की बोली में, उनके स्टाइल में, और उनको हंसाते खिलाते हुए और उनको जो अच्छा लगता था उनको उस मैंने उसकी छूट दी। उसके बाद उनको हमने जितने भी नॉन परफॉर्मेटिव आर्ट्स फॉर्म थे या परफॉर्मेटिव फॉर्म्स थे उससे उनको हमने जोड़ा और दिखाया। जैसे नॉन परफॉर्मेटिव आर्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे मदारी वाला जो मजमा लगाकर और अपना ये मदारी करता है और लोग उसको पैसे देते हैं और वो परफॉर्मेंस करता है, या एक दवा बेचने वाला अपनी दवाई बेचकर और या मंजन बेचकर वो और परफॉर्म मजमा लगाता है और दवाई बेचकर वो चला जाता है। तो इस तरह का कि जो आर्ट शैलियाँ थीं या वैसी शैलियाँ जो जैसे कीर्तन या गायन की जो शैलियाँ थी, तो या लोकवाद्य बजाने वाले तरह तरह के जो वादक थे उन वादकों के साथ, या और भी अखाड़ा जैसे बंसी कौल जी ने जिस तरह से घुमकड़ी करके अखाड़ा, नटबाजी, नटगिरी करना और सर्कस का जो एलिमेंट है उसको लेके, और उन्होंने रंग दूसरक शैली की एक नई भाषा उन्होंने
जो ये की उस एक नई भाषा जो आज बनाई बनाई है। और उसी प्रकार से मैंने भी उन बच्चों को मैंने देखा कि उनके अंदर लाठी चलाने का आर्ट है, तो उनके लाठी चलाने की जो कला थी उस कला का इस्तेमाल, और भी तरह तरह के खेल जो ग्रामीण खेल होते हैं उन ग्रामीण खेलों में उनकी बड़ी अभिरुचि थी, उन खेलों को मैंने अपने थिएटर में डालना शुरू किया और अंधेर नगरी नाटक इनके साथ तैयार किया जिसको पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। कारंत जी ने जब इसको देखा, पटना में आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि संजय मैं फ्रेश हो गया इन बच्चों की एनर्जी, इन बच्चों का काम, इन बच्चों के टैलेंट को देखकर। और ये जो बच्चे जो शराब पीते थे, गांजा पीते थे और तरह तरह की उनके अंदर जरायम पेशा वाली हरकतें थीं, वो सारी हरकतें उनकी दूर हो गई, ठीक हो गई। और आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने कम से कम 30 बच्चों को क्रिमिनल होने से बचाया। तो कला का काम या कि सामाजिक सरोकार के साथ जुड़ के रंगमंच का जो काम है इसको हमने महसूस किया, और वही बच्चे बाद में उनको पढ़ाई करवाई, कुछ लड़के ग्रेजुएट हो गए, कुछ लड़के ग्रेजुएट नहीं हो पाए, कुछ बच्चे मैट्रिक पास किए, कुछ लोगों को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आए, 3-4 लड़के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आ गए, और कुछ लड़के मुंबई चले गए और वहाँ अपना भाग्य आजमा रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लड़कों ने अपनी संस्था खोल ली। एक लड़का जो है उसी वर्कशॉप से निकला हुआ जो वार्ड पास काउंसिलर हो गया, और एक लड़का जो जिसका नाम है विजेंद्र कुमार टाक, उसको पिछले साल संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो बिस्मिल्ला खां होता है लाइट लाइट डिजाइनिंग के क्षेत्र में उसको वो मिला। तो मेरे ये कहने का अर्थ है, सतपथ भाई नमस्कार, तो मेरे ये कहने का अर्थ है कि जो पेडागोजी या जो मेथडोलॉजी उस जगह को देख कर तब तय की जाती है कि हम किस इलाके में किस जगह पर जाकर थिएटर कर रहे हैं, और हर अलग अलग इलाकों की अपनी बोलियां हैं, अपनी संस्कृति हैं, अपने डायलेक्ट्स हैं, अपना वहाँ का वातावरण है, उन वातावरणों को समझकर और वहाँ की शैलियों में जब आप ढलेंगे तो वो पर्पसफुल होगा और तभी वो कारगर होगा, और रंगमंच की एक नई भाषा, एक प्रयोग की तरह इसको हम आगे लेकर बढ़ पाएंगे। मैं ये देखता हूँ कि एक ऐसा जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एक इस तरह की मशीन है जो सिर्फ एक्टर पैदा कर रही है, एक्टर पैदा करने की मशीन हो गई हैं ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वह भी फोटोकॉपी, और फोटोकॉपी से भी अच्छा हम एक टर्म देंगे कि जेरोक्स कॉपी की तरह निकल के आ रहे। जेरोक्स कॉपी फोटोस्टैट तो वैसे भी ठीक होता है, लेकिन जेरोक्स जो होता है उसका आखिरी जो पेज होता है उससे स्याही उड़ चुकी होती है, वो पता भी नहीं चलता है कि वो क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से फोटोस्टैट हर एक्टर एक ही तरीके से सोच रहा है, एक ही ढंग से रिएक्ट कर रहा है, एक ही मेथडोलॉजी के तहत, एक ही मेथड एक्टिंग के नाम पर वो एक्टिंग करने के लिए मुंबई की तरफ जाता है और जो वापस अपने गांव की तरफ नहीं लौट पाता है। लेकिन रंगमंच एक समुच्चय कला है, एक रंगकर्मी किस तरह से, एक रंगकर्मी एक कैडर तैयार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कैडर जो अपने गांव में जा जा कर, और थिएटर को ठीक है कि पैसे नहीं होंगे, आज हमने जो जिन बच्चों को लेकर काम किया जो 15 वर्षों तक उनके साथ लगातार सफ़र मैना हमारी संस्था का नाम था, उन बच्चों को लेकर जो काम किया, तो वो जो उनके साथ जो हमने ट्रेनिंग की जो मेथडोलॉजी डेवलप की उन्हीं की भाषा में वहीं रहकर उनके साथ मैंने भी सीखा, उनके अंदर के टैलेंट इतने था, इतने सारे टैलेंट थे, इतनी सारी कलाएं थी उनके अंदर, उन सारी कलाओं को मैंने भी सीखा और उन्हीं को उसमें हमने परिमार्जित किया, या उसको हमने कहा एक तरह से एक नई रंग भाषा जिसको कहते हैं वो हमने पैदा करने की कोशिश की। और जब मैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में था वहाँ भी साल में पांच, एक साल का कोर्स था जिसमें साल में 5 प्रोडक्शन हम करते थे, और जितनी भी इस तरह से मॉडर्न इंडियन ड्रामा, क्लासिकल इंडियन ड्रामा, वेस्टर्न ड्रामा, वर्ल्ड ड्रामा जो है वो सारी पढ़ाइयाँ हम उनको मुहैया कराते थे, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा फोकस था गाँव में,
हमारा फोकस था हम मध्य प्रदेश के जितने भी ट्राइबल इलाके हैं, चाहे बुंदेलखंड हो या निमाड़ हो या बघेलखंड हो, उन जगहों पर जा जा कर हम अपने बच्चों को ले जा कर और वहाँ की जो शैलियाँ हैं उन शैलियों से अवगत कराना, उनके साथ उठना बैठना खाना, उनके उनका जो व्यवहार था उन व्यवहारों से परिचित कराना और उस पर आधारित नाटक तैयार करवाना उन्हीं की भाषा में, चाहे बघेली में हो चाहे बुंदेली में हो या निमाड़ी भाषा में हो या जो बोलियां हैं उन बोलियों में जाकर हमने काम करना शुरू किया। तो स्थिति ये हुई कि बघेलखंड में नाट्य आंदोलन शुरू हुआ, नीरज कुंदेर लोक नाट्यों पर काम करना शुरू, आज वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और सरवाइव कर रहा है थिएटर से ही। तो इसी प्रकार से अगर मैंने जब पटना में भोजपुरी नाटक किया विदेशिया, वो भाषा में था और जिसका 725 हमने प्रदर्शन 722 प्रदर्शन कर डाले पूरे देश में घूम घूम कर, तो बोलियों का रंगमंच का हमने पर ध्यान नहीं दिया। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का काम था कि राष्ट्रीय जो नाट्य संस्थान है, साउथ के लड़के साउथ में जाकर साउथ में साउथ की जो भाषाएं हैं कन्नड़ हो और मलयालम हो या जो तेलुगु हो उसमें वो नाटक करते हैं, बंगाल के लोग बंगाली भाषा में जाकर नाटक करते हैं, महाराष्ट्र के लोग मराठी भाषा में वापस जाकर नाटक करते हैं, लेकिन हिंदी बेल्ट के लोग वापस अपने हिंदी भाषा में जाकर अवधी में, भोजपुरी में या मगही में या बज्जिका में या जो मैथिली में या जो और भी जो बोलियां हैं उन बोलियों में जाकर अगर रंगमंच को हम कर रहे होते या उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो एक्सटेंशन है वो अगर इस तरह से बोलियों पर काम करती तो आज पूरे देश का जो रंगमंचीय परिदृश्य है वो बदल गया होता और लोग अपनी बोलियों में करते। क्योंकि वो जिसकी बात हम कर रहे थे कि आप जितना लोकल होंगे उतना ही ग्लोबल होंगे, तो विदेशिया उसका एक बहुत ही बड़ा प्रमाण है कि हमने जब भोजपुरी में किया, शुरू में लोगों ने कहा कि क्या ये भोजपुरी में नाटक कर रहे हो, और जबकि ये हमारा एक रोग है ना हमारे अंदर कि हम हिंदी में नाटक करेंगे, तो हिंदी में नाटक करते हुए उन्हीं तमाम जितने भी वेस्टर्न जो हमारे प्ले राइट्स थे उन प्ले राइट्स का एक तरह से रूपांतरण हम कर रहे थे अपनी हिंदी नाटक के नाम पर। तो हिंदी नाटक भी होना चाहिए, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, खड़ी बोली में भी नाटक होना चाहिए, लेकिन अगर बोलियों में थिएटर की ट्रेनिंग को बढ़ावा मिलता तो आज पूरे देश में अलग अलग इलाकों में अलग अलग बोलियों में रंगमंच हो रहा होता और एक नई जो जिसको हम अल्टरनेटिव ट्रेनिंग पेडागोजी की बात कर रहे हैं वो हम तैयार कर पाते, जो भारतीय परिवेश में भारतीय परिदृश्य में भारत की जो संस्कृति है भारत की जो लोक कलाएं हैं यहाँ का जो बहुत लोक कला के माध्यम को लेकर हम बहुत ही रिच हैं। इवन शास्त्रीय कलाएं जितनी भी शास्त्रीय कलाएं थी उन शास्त्रीय कलाओं को अगर हम लेकर चल रहे होते तो आज हम बहुत ही रिच होते और जो भी लोग ट्रेनिंग लेकर निकल रहे थे वो वापस अपने गांव जाते और अपनी बोलियों में रंगमंच करते और अपनी और शायद वहीं पे उनके लिए कुछ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो पाते। आज मैं रंगमंच के से ही जो कुछ भी ठीक है कि हम ब्रेड बटर नहीं खा रहे हैं, जैसा कारण जी कहते भी थे कि थिएटर में ब्रेड बटर नहीं है, सिनेमा में ब्रेड बटर है, लेकिन थिएटर में हम ब्रेड तो खा सकते हैं, तो आज हम रोटी खा रहे हैं, ठीक है उसके साथ हम ब्रेड नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन हमारा एक जुनून था और हम सबों के अंदर वो एक जुनून होना चाहिए कि अपने नाटकों को जब हम प्रशिक्षण लें तो प्रशिक्षण लेने के बाद ना कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का ये कहीं से भी उसका कर्म या धर्म नहीं है कि वो बॉम्बे जाने के लिए और बॉम्बे में एक्टिंग करने के लिए अपने एक्टर ट्रेनिंग की मेथडोलॉजी तय करे। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ देखकर, एक सिलेबस ये मैंने देखा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का प्रोस्पेक्टस, उसमें ऐसे लोगों का नाम लिखा हुआ था सबसे ऊपर में कवर पे जिसमें नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, राज बब्बर और या जितने भी फिल्म के जितने ओम पुरी से लेकर और नवाजुद्दीन से लेकर
ये सारे लोगों का उसमें नाम था, और कि ये लोग हमारे मॉडल हैं, ये लोग हमारे प्राइड हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के, और हमें इन पर फख्र है, गर्व है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जितने जिस जिन लोगों ने 40 साल से 50 साल से जो थिएटर में एम के रहना, भानु भारती, बंसी कौल और कारंत जी से लेकर और रामगोपाल बजाज से लेकर और मोहन महर्षि से लेकर देवेंद्र राज अंकुर, जिन लोगों ने पूरी उम्र, और रॉबिन दास से लेकर संजय उपाध्याय तक, जिन्होंने पूरी उम्र थिएटर करने में लगा दी, थिएटर की ट्रेनिंग और नई नई ट्रेनिंग और मेथडोलॉजी खोजने में और रंग भाषा खोजने में जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय उनके लिए नहीं है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को उनसे कोई सरोकार नहीं है। तो ये शर्म आती है ये कहते हुए मुझे, और मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का विद्यार्थी हूँ, वो मेरा एक मदर इंस्टीट्यूट है, और मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बेहतरी के लिए, ताकि आप अपनी सोच में परिवर्तन लाएं। और आज के परिवेश में कोरोना काल के बाद किस तरह का हम थिएटर करेंगे, इसके ऊपर भी आप नए ढंग से विचार करें, और गाँव में जाएँ, जो लोग जड़ों से कट चुके होते हैं वहाँ जाएँ, और वहाँ जाकर और जितना जड़ आपका मजबूत होगा, उतना ही जो तना है और टहनी है उतनी ही मजबूत होगी। तो हम जड़ों से कटे हुए लोग हैं जो रंगमंच कर रहे हैं, जो न शहर के रह पाते हैं, न गांव के रह पाते हैं, न ही मुंबई के रह पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो स्टार बन जाते हैं, और जिसकी वजह से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अपना क्रेडिट लेता है कि ये हमारे विद्यार्थी थे जो आज इतने बड़े हो गए, स्टार हो गए। तो ये क्रेडिट लेना मुझे लगता है कि वो गलत है, और जो लोग जो थिएटर कर रहे हैं, जो थिएटर ही कर रहे हैं, उनको आप प्रोत्साहित कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, उनको भेजिए उनके गांव में जाएं, और फेलोशिप दीजिए उनको, अपने जाकर अपने गांव में जाकर काम करें, और वहाँ जितना उनको जो सुविधा मुहैया होनी चाहिए वो सारी सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए, जिससे कि वो वहाँ रहकर एक अपनी भाषा बना सके, अपनी बोली में एक थिएटर कर सके। मुझे लगता है कि आधे घंटे मुझे कहा गया था कि आधा घंटा से ज़्यादा आपको नहीं बोलना है, और कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ लोगों का जवाब सवाल भी होगा। तो मैं शुरू से ही देखना चाहता हूँ किन किन लोगों ने, अमिता जी ने कहा है कि गांव में नाटक तो हबीब तनवीर साहब जी ने किए, और तो हबीब साहब जी का तो सलाम करता हूँ, इसीलिए हबीब साहब का नाटक आज भी जिंदा है और नया थिएटर के रूप में काम कर रहा है, और मैं भी उसी परंपरा की बात कर रहा हूँ, चाहे वो हबीब तनवीर ने काम किए, चाहे गांधी जी ने काम किए, या संजय उपाध्याय ने भी, उसी परंपरा में हम काम कर रहे हैं। कुलदीप शर्मा NSD के अलावा दिल्ली में कौन सा थिएटर अच्छा है जहाँ से अच्छी एक्टिंग स्किल सीख सके? नाट्य विद्यालय तो बहुत सबसे आइडियल है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं कहता हूँ, वह पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो विजन है आपका वो क्लियर होता है, बहुत द्वार बहुत सारा खुलता है, बहुत सारे कन्फ्यूजन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दूर करता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है, बहुत सारे ऐसे, मतलब मेरा ये कहने का अर्थ है कि अगर ग्रामीण लिटरेचर, गांव में जो के जो कवि हैं, उन कवियों को अगर हम पढ़कर और उनका नाटक हम करते, या गांव ग्राम हमारी गांव में अलग अलग भाषाओं के जो भी उपन्यासकार या कहानीकार जिन्होंने उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी अपनी अपनी बोलियों में, ऐसा नहीं है कि हमारा वो जो लोक संसार है वो बहुत ही गरीब है, हम बहुत ही रिच हैं इस मामले में, उस पर हमारा ध्यान नहीं गया, हम मात्र एक इनपुट्स के लिए हम कभी कभी NSD के बैच को भेज देते हैं कि जाकर वहाँ से गांव में कुछ सीख कर आओ, ये बड़ा ही रोमांटिक सा ख्याल है कि आप एक महीने के लिए किसी को भेज दीजिए और वहाँ जाकर एक तैयार करा कर कुछ वर्कशॉप करके और वहाँ से कुछ वहाँ की शैली को सीख कर आएँ, जो कि मुझे नहीं लगता है कि यह काफ़ी है। काफ़ी ये होगा कि एक्सटेंशन की बात मैं कर रहा हूँ, एक्सटेंशन को आप गांव-गांव तक फैलाइए, और गांव में वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली, वहाँ का पानी, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का लिटरेचर, वहाँ की कहानी, कविता, उपन्यास, उसको उठाइए और उन्हीं की भाषा में, वहाँ की जो शैली है उसमें आप
करिए, और इस तरह का अगर आप अभियान चलाएंगे तो आप देखेंगे कि 5-10 वर्षों में अगला जो भी रंगमंच का परिदृश्य होगा वो बदलेगा। और इस तरह से मैं अल्टरनेटिव ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। लोकल कैन ऑलवेज बिकम ग्लोबल प्रोवाइडेड विद देयर इज ए क्वालिटी प्रोडक्शन एंड नॉट कॉम्प्रोमाइज टू मीडियोक्रेसी। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि गांव में जो लोकल जो काम कर रहे हैं उसका वो किसी भी तरफ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और वो मेडियोक्रेटी की उनकी बात नहीं करते हैं, बल्कि उनकी अपनी मौलिकता होती है। संजय भाई नमस्कार। अच्छा सत्या भाई नमस्ते। तुषार कह रहे हैं थिएटर परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग शेक्सपियर परफॉर्मेंस हैव बीन सक्सेसफुली परफॉर्म्ड इन प्रिजन विद हार्डेंड क्रिमिनल्स। हाँ क्या, देखिए आप शेक्सपियर के नाटकों को भी अगर उसको रूपांतरित करके और भारतीय परिवेश में अगर करेंगे, चाहे वो कैदियों के बीच में, मैंने भी कैदियों के साथ बहुत काम किया है और मैंने कैदियों के साथ विदेशिया किया और उन लोगों ने खुल के उसमें पार्टिसिपेट किया था। और मैं एक कहानी बता रहा हूँ कि जितने भी क्रिमिनल्स जिनको मैंने 30 बच्चों को क्रिमिनल्स होने से बचाया, एक बच्चा जो नहीं किसी कारणवश कर पाया था, हमारा वर्कशॉप अटेंड कर पाया था, उसकी माँ उसको ज़बरदस्ती खींच कर ले गई थी कि चलो तुम, ये लोग तुमको बिगाड़ देंगे। तो जब मैं वर्कशॉप करने कारा जेल में गया, पटना के बेउर जेल में, तो सबसे पहले एक लड़का जवान सा आकर मेरा पाँव छुआ और प्रणाम किया। मैंने पूछा कौन हो तुम भाई? उसने कहा सर मैं वही हूँ जो आपने सफ़रमैना के तहत जो बच्चों को लेकर वर्कशॉप किया था और काम किया था, मैं वही हूँ, आज मैं जेल में हूँ और देखिए मुझे यहाँ गोली लगी है, यहाँ छर्रा लगा हुआ है। और वो उस शहर का, पटना शहर का बहुत ही खूंखार क्रिमिनल बन गया। तो अगर थिएटर, मैंने सबसे शुरू में बात की थी कि दो तरह का की विचारधाराएं चलती हैं। कलावादी धारा है जो ये कहती है कि थिएटर ऐसी कला है जो मूर्त से अमूर्त की तरफ हम जाते हैं और अमूर्त से मूर्त की तरफ लौटते हैं, या हम शून्य से महाशून्य की तरफ जाते हैं, या पता नहीं क्या जो अभिनेता है उसको कौन सा आत्मा और परमात्मा का दर्शन हो जाता है, मुझे नहीं मालूम। और ये पूरी की तरह, ये संगीत की कला में भी मैंने सुना है बहुत सारे संगीतज्ञों को ये कहते हुए कि संगीत साधना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें जब गाता, हम जब गाते हैं तो हमें भगवान का दर्शन हो जाता है, हमें मिलता होगा, उनको दर्शन मिल जाता हो, हमें उससे कोई विरोध नहीं है और इस पद्धति से भी मुझे कोई विरोध नहीं है। लेकिन नाटक सामाजिक कला है, समाज के सरोकार से जुड़कर उसको थिएटर करना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज जिस तरह से मजदूरों का पलायन जो हो रहा है, शहर से गाँव की तरफ जिस तरह से लौट रहे हैं, उन मजदूरों के बीच में थिएटर को जाना चाहिए और उन मजदूरों के बीच जाकर उनकी भाषा में और उनके शैली में उनके दुख दर्दों को उसमें लेते हुए, और विस्थापन का जो ये प्रॉब्लम है, जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है आज का, ये सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है इस कोरोना काल के बाद, विस्थापन पलायन, और ये बहुत बड़ा कंटेंट भी होने जा रहा है और इस पर काम होने चाहिए इस तरह के, तभी वो एक हम नया थिएटर, नए रंगमंच की कल्पना कर पाएंगे और तभी हम जन जन के साथ, जनता के साथ जुड़ पाएंगे। नाटक 70 वर्षों से हम इंस्टीट्यूट में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम जनता से क्यों नहीं कनेक्ट कर पाए, हम लोक जीवन से क्यों नहीं जुड़ पाए, अभी तक दर्शक हम क्यों नहीं बना पाए। मैं जब नाटक करता हूँ तो जो जिस इलाके में मैंने काम किया था, स्लम का इलाका था, 2-2.5 हज़ार परिवार थे, वो हमारे दर्शक हो गए और मुझे कभी भी दर्शकों की कमी नहीं महसूस हुई। तो हम इस तरह का जब अपनी जड़ों से, जमीन से जुड़कर काम करेंगे तो स्थानीय जो लोग हैं वो आपके बहुत ही बड़े दर्शक हैं, उन दर्शकों के साथ को भी आप प्रशिक्षित करते हैं साथ साथ। रंगमंच का काम दर्शकों को भी सचेत करना, सजग करना, प्रशिक्षित करने का काम रहा है। तो हम दर्शकों से कट गए हैं। आज का जो भी रंगकर्मी निकल रहा है वो इतना सेल्फ सेंटर्ड है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मैं कैसे एक्टर बन जाऊं, कैसे स्टार बन जाऊं, कैसे। तो मेरा आग्रह ये है कि समाज से रंगमंच को जोड़ने, या जो एक विचार है
विचारों के साथ भी रंगमंच को जोड़ा जाना चाहिए। ऐसी विचार जो जन पक्षधर हो, जनता के पक्ष में खड़ा हो, और जो तभी हमारे थिएटर करने का जो पर्पस है, उद्देश्य है ट्रेनिंग का, वो सॉल्व होगा। इन माय हम्बल ओपिनियन देयर आर हार्डली एनी एक्टर्स इन बॉम्बे और बॉलीवुड दे हैव रियली अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड एक्टिंग। इट्स योर ओपिनियन, इट कैन बी सो, देयर सो मेनी मेथड एक्टर्स आर वर्किंग ऑन मेथड एक्टिंग एंड ट्राइंग देयर बेस्ट। सो आई थिंक मेथड एक्टिंग क्या है, आप जिस किस तरह का मेथड एक्टिंग, मेथड एक्टिंग यह है कि जिस शैली में नाटक आप कर रहे हैं उस शैली को देखते हुए तब आप एक मेथड अपना बनाते हो और तब उसमें मेथड की बात होती है। रियलिस्टिक प्ले कर लेना, या शेक्सपियर ने ये, सांस्वस्की ने ये कहा और मायरहोल्ड ने ये कहा, शेक्सपियर ने ये कहा, यही मेथड एक्टिंग नहीं है। बल्कि आप जिस भी शैली में, चाहे वो लोक नाट्य शैली में भी नाटक कर रहे हैं, उस शैली को देखते हुए, उस शैली और वहाँ के कंटेंट को देखते हुए एक्टर अपना एक मेथड डेवलप करता है और तैयार करता है। मेरी समझ में मेथड एक्टिंग वो है। तो क्या संजय भाई, अब बड़े प्रशिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम प्रश्न को पुनर्चिंतन करने बिल्कुल आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। हम श्रेष्ठ वर्गों के लिए ही नाटक नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास के लिए ही नाटक नहीं करते हैं, या ऐसा हम एक्टर पैदा नहीं करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ महानगर में ही वो करे और महानगरीय परिवेश में उस पले बढ़े और वहीं पर जाकर वो अपना अपने आर्ट को का प्रदर्शन करे। बल्कि पुनर्विचार करना चाहिए जितने भी नाट्य प्रशिक्षण केंद्र हैं, और बिल्कुल ही उनको देशज, जिस थिएटर ऑफ रूट्स जिसको कहते हैं, उसको हमने छोड़ दिया, उसको हम भूल गए, जो हमारा मूल मंत्र था थिएटर का, उस रूट्स को हम भूल कर एक बाहर की दुनिया से आयातित एक ऐसी कोई मेथडोलॉजी लेकर हम आते हैं और ये हम बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि देखो ये हमने ईजाद किया है, ये डिवाइस थिएटर का जो डिवाइस कर थिएटर है वो हमने किया, या देखो हम इस तरह का एक थिएटर, एक नया थिएटर करने जा रहे हैं। तो ऐसा है नहीं, बल्कि हम अपनी भाषा में उसको करें, और नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। डोली अलीवाला जी, NHD में संजय सेलेक्टेड लोगों को ही रिकॉग्नाइजेशन फेवर किया जाता है, मुझे भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। बिल्कुल नहीं किया जाता, आपका नहीं किया जाता। कुछ खास लोग जो मैंने जब उनका देखा, वो जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी जी, अनुपम खेर हैं, राज बब्बर हैं, तो और ओम पुरी जी हैं, अपना इरफान जो गुजर गए, इरफान भाई थे उनका है, तो और ये जो अभी जो नया निकला है एक्टर नवाजुद्दीन, तो ये सारे इनका नाम है प्रोस्पेक्टस पे। आप सोच सकते हैं, डॉली अहलूवालिया जी भी थिएटर भी करती हैं और साथ साथ कॉस्ट्यूम को लेकर बड़ा नाम है, और डॉली अहलूवालिया जिन्होंने राष्ट्रीय, जिनको पुरस्कार भी मिला है, चाहे थिएटर हो या सिनेमा हो, और सिनेमा में भी एक्टिंग किया और टेलीविजन में भी किया एक्टिंग, और थिएटर आज भी कर रही हैं और करती हैं। तो नहीं मिला डॉली जी को भी रिकॉग्निशन, नहीं मिला जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था, और वो ये काम NHD का था। थैंक यू अर्चना, आपने विदेशिया देखा, विदेशिया 722 शोज हमने कर लिए, वो भोजपुरी शैली में, वहाँ के लोग भाषा में है, वो ट्रेनिंग की मेथडोलॉजी ही वो अलग थी, देशज हमने भाषा में सारा कुछ हमने उस मेथडोलॉजी को रख के उसको तैयार किया था, जो आज तक वो प्रचलित हो रहा है। दुर्गेश सर, थिएटर में सिंगिंग इम्पॉर्टेंट है ना, बट अगर सिंगिंग नहीं आती तो क्या अच्छे एक्टर नहीं बन सकते? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हर एक्टर गाता है, हर आदमी गाता है, कोई भी बेसुरा नहीं है, कोई भी बेताला नहीं है, हर बेसुरे आदमी के पास भी एक सुर होता है, और वो सुर क्या है, यही आजकल मेरी जो मेथडोलॉजी है, जो मैं संगीत को लेकर जो काम कर रहा हूँ, जितने बेसुरे हैं
उनके उनकी सुर को तलाशना कि वो किस सुर में है, और जो बेताले हैं वो उनका ताल ढूंढना, उनका लय ढूंढना कि वो किस लय में वो गा रहे हैं या बोल रहे हैं या अपनी अपना व्यवहार कर रहे हैं। तो उसके पीछे पूरी साइकोलॉजी है, काम करती है। और एक्टर ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा सिंगर हो, हर सिंगर गाना गाता है और हर एक्टर जो नहीं भी गाता है लेकिन उसके अंदर गाने की सेंसिबिलिटी है, गाने की फीलिंग है, गाने की संवेदना है, तभी तो वो संवाद की अदायगी कर पाता है और एक लय में अपनी संवाद को बोलता है और धीरे धीरे क्रिसेंडो बनाता है और एक क्लाइमेक्स पे ले जाता है अपने इमोशन के साथ। अगर उसके पास सिंगिंग म्यूजिक नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो ज़रूरी है, म्यूजिक का सेंस होना ज़रूरी है, ज़रूरी ये नहीं कि आप सिंगर हों। अर्चना, इवन म्यूजिक इन योर विदेशिया या सुपर, थैंक यू सर। राजीव, आपका भोपाल मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के कार्यकाल यादगार रहा, बधाई और शुभकामनाएं। राजीव सक्सेना, बहुत ही बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। और उसके पहले कौन थे, विनय दाहिया, बाची विजय दाहिया, तुषार, यू मस्ट स्टडी द ओपन थिएटर बाई पीटर ब्रुक एंड ग्रोटोवस्कीज का जो थे पॉलिश थिएटर कॉन्सेप्ट, पुअर थिएटर दिस कॉन्सेप्ट वुड बी यूजफुल। हाँ, यह भी एक भाषा थी, एक नई भाषा ग्रोटोवस्की को लेकर जो बाद में बादल सरकार ने तीसरा रंगमंच थर्ड थिएटर शुरू किया, यह भी हमारे एक नई मेथडोलॉजी, नई पेडोगॉजी थी और जिसको बाद में नुक्कड़ नाटकों पर बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। तो यह भी अपने आप में एक नया थिएटर और नई भाषा, इसके ऊपर भी काम हुआ और ये चल निकला और ये सफल रहा। तो ऐसी कोई भाषा फिर से क्यों ना खोजी जाए जिससे कि आने वाले दिनों में हम जी। धन्यवाद, आपकी बात से मेरी धारणा को, पूर्व में किए कार्यों को नैतिक बल मिला। और ललित जी, पोखरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके काम की सराहना होती है, हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, बाकी लोग करें या ना करें। तो ये क्या है, तुषार, राइम एंड रिदम ऑफ वर्नाकुलर बोली इज अमेजिंग, सर्टेनली। सो जो बोलियों में और ये राइम, राइम जो है अपने आप तरह तरह के खेल हैं, तरह तरह के देशज जो हमारे जिसको कहा जा सकता है कि गाने हैं, कलाएं हैं, लिटरेचर है, अथाह दुनिया है, अथाह संसार है, और रिदम है, लय है, म्यूजिक है। तो उन बोलियों को हम भूल गए और भूल कर उसको हमने एक तरह से थिएटर से पोइट्री को ही हमने गायब कर दिया या गायब करने की कोशिश की जा रही। मल्टी मीडिया थिएटर भी हम करने लगे और वह भी कहा जाने लगा कि एक नए तरह का थिएटर है। ठीक है, वह भी ज़रूरी है। मैंने भी जब NSD में प्रोडक्शन किया था, मैंने रेपर्टरी के साथ तो मल्टी प्रोडक्शन थिएटर किया था। हेलो सर, नफर फ्रॉम NCP, हेलो, थैंक यू। राय कर्णाकुर बोली इज अमेजिंग, रियली इट्स अमेजिंग। तुषार रमन, थैंक यू सर, सर फॉर योर डेडिकेशन इज मोस्ट अप्रिशिएटेड, थैंक यू तुषार। दुर्गेश त्रिपाठी, थैंक यू वेरी मच सर, इस कठिन समय COVID-19 में आप हैं, आपने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया बताया, उसके लिए धन्यवाद सर, टेक केयर। थैंक यू दुर्गेश त्रिपाठी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आप लोगों ने, अगर जो एडमिन है मुझे इशारा करें कि इसको समाप्त करें इस सेशन को, और भी अगर कुछ प्रश्न होगा तो हमारे इनबॉक्स में आकर बात कर सकते हैं या फ़ोन से भी बातें हो सकती हैं। इस कोविड, इस अभी जो संकट काल है जहां हम सब लोग आइसोलेटेड हैं अपने अपने घर पे, तो वैसी अवस्था में मैं असल में मुझे एक अनाउंसमेंट करना था कल को लेकर, जो हमारे मोबाइल में वो चला या पहले के मोबाइल में नहीं था। तो अगर दुर्गेश जी उसको अगर संयम के मोबाइल पे उस नंबर पे अगर आप मैसेज डाल दें तो मैं उसको अनाउंस कर सकता हूँ, या आप खुद भी
इस पर एक टाइप कर दें जिसको मैं अनाउंस कर दूँ, एंड थैंक्स कोकोनट थिएटर फॉर कंडक्टिंग दिस। तो अगर मेरी बात को जिसको भी बुरा लगा होगा तो वो मुझे क्षमा करेंगे, और मेरा उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं है या किसी इंस्टीट्यूशन को छोटा या बड़ा करना नहीं है, बल्कि उद्देश्य हमारा ये है कि फिर से पुनर्विचार किया जाना चाहिए। नाटक पुनर्पाठ की विधा है, फिर से पाठ किया जाना चाहिए, फिर से पुनर्विचार किया जाना चाहिए कि हमारा हमारा जो प्रशिक्षण प्रविधि है, हमारी जो ट्रेनिंग की जो मेथोडोलॉजी या जिसको पेडोगॉजी कहते हैं, वो किस तरह का हो आने वाले दिनों में। संजय, तुम में बाबा कारंत की खूबी है, किसी भी एक्टर को गाना सिखा सकते हो और उनका बखूबी उसके उससे करवा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉली जी, ये बात सही है। और मुझे याद है कि जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास होकर निकला था तो भानु भारती जी ने गोदान किया था, आपने उसमें धनिया का रोल किया था और मैंने आपको भी गवाया था। आप तो चूंकि गाती थी, बहुत अच्छा गाती थी, उसके बावजूद आपने मेरे संगीत को खूब मन लगाकर गाना गाया था। और मैं कोशिश करता हूं कि हमारे एक्टर गाएं और गाने वाले एक्टर हों, गाएं, अभिनय करें, डांस करें और कहानी को आगे बढ़ाएं। इस तरह का मैं एक ऑपरेटिक थिएटर करने के पक्ष में हमेशा रहता हूं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा ही थिएटर करे, लेकिन इस तरह का थिएटर अगर होता रहता तो देश का रंगमंचीय जो नक्शा है वो बदला हुआ होता और हम दर्शकों से कनेक्ट कर पाते। आज हमारे पास दर्शकों का एक वर्ग होता, समूह होता। वट इज देसी वर्ड फॉर फोनेटिक्स? देसी मीन्स देसी, मैं कॉल इट देसी, देसज, लोकल डायलेक्ट्स मैं कॉल इट्स, इट मे बी कॉल ऑल्सो, उसको वर्नाकुलर नहीं, उसको हम ये भी कह सकते हैं देसी का, ठीक है। जैसे कि कहा गया है कि इसमें जाना, जो देसी को हम क्या कह सकते हैं अंग्रेजी में, मतलब आप अगर कुछ इशारा कर सकते हैं तो करिए। देसी वर्ड फोनेटिक्स, व्हाट इज अ देसी वर्ड फॉर फोनेटिक्स? या व्हाट इज फोनेटिक्स मीन्स जिसमें हम बोली जिसको कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि लोकल डायलेक्ट्स, लोकल ये हम इस तरह की बात कर सकते हैं। वेरी थॉटफुल सेशन सुरेश शर्मा, थैंक यू सुरेश शर्मा। क्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाले हैं? नहीं, ये कोई और है। विजय शुक्ला, कल जैमिनी, कल जैमिनी पाठक जी का सेशन है 6 बजे से, कृपया आप लोग उसको अटेंड करें। काफ़ी थॉटफुल और फ्रूटफुल सेशन रहेगा कल का। आज अगर मैंने कुछ भी आपके लायक आप कुछ ऐसी बातें की जो अल्टरनेटिव थिएटर को लेकर अगर लगा, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मिला परहैप्स ध्वनि फोनेटिक्स, यस ध्वनि। तो थैंक यू तुषार, वो मैं वही मिस कर रहा था, ध्वनि को ही, उसको ध्वनियों का जो संसार है फोनेटिक्स, ठीक है। तो और समय हमारे पास कम है, नहीं तो मैं और भी बहुत सारी बातें और आप लोगों का जवाब देता, क्योंकि 1 घंटे का ही मुझे समय दिया गया था, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। हाँ सही कह रहे हो तुषार, शायद वही ध्वनि वही हम फोनेटिक्स को देख रहे हैं। आप सही हैं अपनी जगह पे, और आपने मेरा भी ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेघना, एनएसजी बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इज दैट स्टूडेंट्स हैव कम हियर टू लर्न फ्रॉम द इंटीरियर्स ऑफ इंडिया एज वेल, ग्रेजुअली हायर एजुकेशन इज बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव।
do you think the minimum education should be? Must be a minimum. वो जितनी पढ़ाइयों में खर्च होता है, एक एक बच्चों के ऊपर करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, वो मुझे लगता है कि उतने से तो मैं अपने पूरे देश में अगर उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए पूरे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को, तो जितना पैसा खर्च हम करते हैं एक जगह, वो तो पूरी जगह अलग अलग जगहों पर उसको ले जाएं, फैलाएं और डिसेंट्रलाइज कर दें, तो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ज़्यादा कम पैसों में हम अच्छा थिएटर और अच्छा एडुकेशन दे सकते हैं। एडुकेशन सिर्फ बड़े बड़े महानगरों में बैठकर ही और हायर एजुकेशन हम नहीं दे सकते हैं, बल्कि हम अपने यहाँ लोकल स्तर पर भी बैठकर हम उनको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या हो रहा है उसकी जानकारी दे सकते हैं। सुरेश शर्मा फ्रॉम लुधियाना, ओके थैंक यू। अच्छा अच्छा लुधियाना वाले सुरेश जी, थैंक यू। वी हैव ऑर्गेनाइज मैनी, सो मुझे अब इजाज़त दीजिए, मैंने वक्त ज़्यादा ले लिया, जैसा कि कोकोनट थिएटर वालों ने मुझे कहा था कि मात्र आधे घंटे आपको बोलना है, तो और फिर उन्होंने कहा कि आधे घंटे सेशन चलेगा बातचीत का, तो एक घंटा से ऊपर हो गया, तो अब मैं उनकी आज्ञा को मानते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप इस कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखिए, सेफ रखिए, सरकार के जो निर्देश हैं उसका पालन करिए, और इसी तरह से हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर ईद मुबारक हो आपसे।